दोस्तों आज हम सीखेंगे कि फोटो में कलर कैसे चेंज करते हैं, फोटो के कलर को फ्रेश कैसे करते हैं, यानी कि ब्लैक कलर को गोरा कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम अपना फोटोशॉप ओपन करेंगे, उसके बाद फाइल में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और अपना इमेज जो है कि उसको सेलेक्ट करेंगे, और इमेज सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे फोटोशॉप में। तो ये हमारा इमेज सेलेक्ट हो गया, इसको अब हम जो है कि कलर करके दिखाएंगे कि कैसे जो है कि इसको गोरा किया जा सकता है। तो आप वीडियो में बने रहिए, तो एडजस्टमेंट टूल में आएंगे, और जो है कि एडजस्टमेंट टूल में आने के बाद यहाँ हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सॉलिड कलर चूज करेंगे, और इस कलर में थोड़ा सा जो है कि हमको ग्रे व्हाइट, यहाँ जो आप कलर मैं चूज कर रहा हूँ वही कलर आपको चूज करना है, वही कलर आपको चूज करना है। तो इसको चूज करने के बाद में कंट्रोल आई सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आई सिलेक्ट करेंगे, और जो है कि उसके बाद हम ब्रश टूल ले लेंगे। ब्रश का यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ब्रश का साइज यहाँ से जो है कि हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो इसको ओके करेंगे। अब जो है कि इस फोटो को हम पेंट करेंगे, फोटो को हम जो है कि बड़ी आराम से जो है कि पेंट करेंगे, फोटो को पूरा पेंट करेंगे, फोटो को जो है कि हम पूरा आराम से पेंट करेंगे, छूटना नहीं चाहिए कोई भाग। जहाँ जहाँ इसका स्क्रीन दिख रहा है उसको हम पेंट करेंगे, जहाँ जहाँ इसका स्क्रीन दिख रहा हो उसको हम पेंट करेंगे। इस तरह से जो है कि हमको इसको पूरा पेंट करना होगा, पेंट करते रहे। प्रिंट करते रहे जहां जहां इसका स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन को प्रिंट करना। को पूरा पेंट करना, और जब यह पूरा हो जाए, पेंट हो जाए पूरा, तब तो हमको जो है कि क्या करना है। तो पूरा पेंट होने के बाद यहाँ एडजस्टमेंट टूल में आएंगे, और यहाँ से हम लेंगे सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट लेंगे तो आप देखेंगे कि फोटो का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, लेकिन जो है कि यहाँ अभी पूरा गोरा नहीं हुआ है। तो कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करेंगे, और जब यह सिलेक्ट हो जाए तो यहाँ से जो है कि एडजस्टमेंट टूल में से हम लेंगे लेवल्स, और लेवल्स को थोड़ा बढ़ा देंगे, लेवल्स को थोड़ा बढ़ा देंगे, ज़रूरत के हिसाब से लेवल्स को बढ़ा देंगे। ज़रूरत के हिसाब से लेवल्स को बढ़ा देंगे, और उसके बाद ओके कर देंगे, और फिर से इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे, और जो है कि एडजस्टमेंट टूल में से हम लेंगे कलर बैलेंस, और कलर बैलेंस लेने के बाद में हम थोड़ा सा कलर सेटिंग करेंगे, इसको थोड़ा सा कलर सेटिंग करेंगे, कलर को सेटिंग करेंगे,
और कलर को सेटिंग करने के बाद में जो है कि सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में जो है कि कलर बैलेंस लेंगे, और कलर बैलेंस लेकर हम जो है कि कलर का सेटिंग करेंगे। तो आप देख लीजिए कैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ, तो उसी तरह से आपको जो है कि कलर का सेटिंग करना हो, कलर का सेटिंग हम करेंगे, कलर का सेटिंग करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और जो है कि सिलेक्टिव कलर में जाएंगे और जो है कि यहाँ से येलो लेंगे, और येलो लेकर जो है कि हम सिलेक्ट करेंगे। येलो लेकर देख लीजिए कैसे सेटिंग हो रहा है, और ओके करेंगे और फिर से जो है कि इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद में इसको हम थोड़ा सा ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का सेटिंग करेंगे, थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट बढ़ाते हैं। तो यह तो हुआ हमारा जो है कि फोटो का कलर चेंज हो चुका है। अब जो है कि इसको थोड़ा सा हम जो है कि लिपस्टिक वाला भाग जो है कि इसका ठीक करते हैं। लिपस्टिक वाला भाग ठीक करने के लिए हम रेड कलर लेंगे और जो है कि कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, और जो है कि ब्रश को साइज थोड़ा छोटा करना है। ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करेंगे, जो है कि ओके करेंगे, और जो है कि इसके फोटो पर और इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और जो है कि सॉफ्ट लाइट ले लेंगे। तो देखिए जो है कि लिपस्टिक वाला काम भाग भी ओके हो गया, और यह फोटो जो है कि कलर हो गया। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका अधिक लग रहा है, थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम करते हैं। थोड़ा इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिव कलर में चले गए, कलर बैलेंस। ओके करते हैं, फिर से थोड़ा इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा इसका जो है कि सिलेक्टिव कलर मिल जाते हैं। हाय बोल ये रहा कुछ भी लगे ना मेरा कुछ भी
और इसको ओके करते हैं। अब यह फोटो जो है कि हमने बनाया है, इसका कलर हमने चेंज किया है, तो आपको दिखाते हैं कि पहले यह कैसे दिख रहा था और अब यह कैसे दिख रहा है, यह आपको हम बता रहे हैं। तो इसको जो है कि पहले कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। एक कर लेते हैं, अब आपको दिखाते हैं। कंट्रोल एम, यह फोटो जो हमने साफ किया है वह फोटो है, और दूसरा आपको दिखाते हैं कि पहले वाला कैसे। तो आप पहले वाले फोटो में और अभी वाले फोटो में जो है कि अंतर पूरा देख सकते हैं कि हमारा यह फोटो जो है कि कितना गोरा है, पहले वाला फोटो जो था हमारा कितना काला था, यह है आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से जो है कि आप किसी भी फोटो का कलर जो है कि चेंज कर सकते हैं, फोटो को बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।